एक स्कीम और इसमें हमारे पे अच्छा 4 सैंडविच खाने पे 2000 रुपए इनाम क्या है। 1 रुपए से शुरू करी मैंने, पूरा लोडेड कर दिया है, मतलब खा के मजा आ गया। इस पे एक और पीस आ गया, ये बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम आ चुके हैं अंकल जी के पास, जो कि बड़े ही यूनिक स्टाइल में कुलचा सैंडविच बनाते हैं। और अंकल जी की बात करें, जो इनके हाथों में स्वाद है भैया, बड़े बड़े क्रिकेटर भी आके अपने यहाँ पे जो है अंकल जी के हाथों का स्वाद ले चुके हैं। यहाँ पर जो है प्रवीण कुमार, जो हमारे क्रिकेटर है इंडियन टीम के, वो भी आके जो है कुलचा खा चुके हैं। तो आइए चलते हैं अंकल जी से बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल। सबसे पहला अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राजू। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी, मेरे को वो बताइए थोड़ा सा। शुरुआत ऐसे हुई थी, चाट खत्म हो गई थी। अच्छा। मैं अचानक ट्रिक की थी। अच्छा। तो कुलचे उलचे थे, एक आदमी ने कहा था मुझसे भैया कुछ है खाने के लिए, मैंने तो सर जी खाली टिक्की बची हुई। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने एक काम करो, टिक्की पे डबल टिक्की लगाओ जरा। अच्छा। ऐसे बनाना तो सैंडविच। अच्छा, तो इस तरीके से वो सैंडविच नाम पड़ा था इस पर। अच्छा, तो इस तरीके से आपका कुलचे वाला सैंडविच तैयार हुआ। अच्छा राजू अंकल, आप ये बताइए आपके यहाँ पे क्या बनता है, मेरे को बताएंगे थोड़ा सा। हमारे यहाँ चाट है, कुलचे है। अच्छा। सैंडविच है। अच्छा। पापड़ी टिक्की सब है। अच्छा, तो मेरे को अपना यहाँ का स्पेशल चीज बताइए कि आपकी स्पेशल चीज क्या है यहाँ पे। सबसे स्पेशल चीज तो मेरी सैंडविच चल रहा है। तो ये दूसरे सैंडविचों से अलग कैसा होता है आपका सैंडविच जो है, मतलब कि दूसरे से चैनल से ऐसा अलग है। अच्छा। ये हमारी अपनी डिश है। अच्छा, ये डबल टिक्की सैंडविच। अच्छा, तो आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया। मेरे को काम करते हुए 35 से ऊपर हो गया टाइम। अच्छा, मतलब 35 सालों से आप यहीं पे लगाते हैं। किस जगह खड़े होते हैं आप। मैं यहीं खड़ा होता हूँ, पहले वहाँ खड़ा होता था कोने पे। अच्छा अच्छा, ये कौन सी जगह है। ये GTB पब्लिक स्कूल है। अच्छा, मेरठ में। हाँ, मेरठ। अच्छा, वेस्टर्न रोड पे। वेस्टर्न रोड GTB पब्लिक स्कूल। बहुत बढ़िया। तो अभी दिखाएंगे कि कौन कौन सा आइटम है आपके पास। अभी आइटम दिखाइए अपने, जो आप चाट बता रहे हैं, कुलचे बता रहे हैं, आइटम दिखाइए कौन कौन सा है। चाट तो यही है इसमें। अच्छा, ये क्या चीज है। चाट मटर की। अच्छी में कोई मसाले वगैरह है। सब मसाला मिक्स रहता बढ़िया। अच्छा अच्छा, सब सेट रहता। बाकी और पसे डालते हैं, जो भी डालते हैं। अच्छा अच्छा। कोई चटपटा कहता है चटपटा, हल्का कहता है हल्का। अच्छा, और क्या चीज है आपके यहाँ पे और बताइए। पापड़ी भी है। अच्छा, पापड़ी भी है। टिक्की भी है। अभी सैंडविच बनाऊंगा सर जी का, देख लेना जरा। तो ये जो सैंडविच है। अच्छा, ये जो सैंडविच है आपने शुरुआत करी थी तब, आप ये कितने का बेचते थे। जब मैं बेचता था 40 का। अच्छा, 40 रुपीज का। मैंने नहीं, सुना चाल, वो 4 रुपए का, सॉरी 4 रुपए का। और मैंने सुना कि आपके यहाँ पे बच्चे 1-1 रुपए का भी खा के जाते। हाँ, 1 रुपए का सिंगल था। अच्छा, 1 रुपए का भी सैंडविच बेचते थे आप। 1 रुपए से शुरू करी मैंने। अच्छा जी। हाँ, 1 रुपए का सिंगल, 2 रुपए का डबल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जो है 1 रुपए का सैंडविच से आज शुरुआत करी थी। और आज कितने का मिलता है। 50 का सैंडविच है। अच्छा, 50 का है। 40 की प्लेट है छोले कुलचे की। अच्छा अच्छा, तो आप ऐसा करिए एक सैंडविच बना दीजिए हमारे लिए। ये डबल कुलचा हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इस पे डबल टिक्की आई है सिक्कर। अच्छा, बहुत बढ़िया सिक्कर आई है ये। अच्छा अच्छा, अब इसी को बनाया जाएगा यहाँ पर रखे ऐसे। अच्छा अच्छा, ये देखिए दोस्तों कितने अमेजिंग तरीके से यहाँ पे जो है सैंडविच बनाया जा रहा है। अभी बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये नमक डल गया, ये लाल मिर्च है, ये मिर्चे है। अच्छा जी, ये आ गया। मतलब काफी ज्यादा स्पीड से बनाते हैं आप। हाँ, मेरा हाथ स्पीड से चलता है सर जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अंकल के यहाँ पे जो भीड़ लगी रहती है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी जो है काम करते हैं यहाँ पे। ये जो इधर से जैसे ये टमाटर है, ये टमाटर है, बहुत बढ़िया। अब ये सलाद है आएगी मेरी। अच्छा अच्छा, ये देखो, ये देखिए, ये भी डलेगी। ये धनिया है, दाल है। अच्छा, दाल भी डलती है इसमें। हाँ। बहुत बढ़िया, ये देखिए दोस्तों, दाल भी डलती है इसमें, धनिया डल गया ऊपर से, और बाकी सिरके वाली प्याज आ गई है। अच्छा, ये सिरके वाली प्याज है, ये देखिए देखने में कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, बहुत बढ़िया। अभी सिरके वाली प्याज आ गई। अच्छा, अभी इसी में चटनी भी आ गई हल्की सी। अच्छा, चटपटी सी हल्की सी, जिसे ये लग गई चटपटी वाली चटनी हल्की। ये लाल वाली चटनी। हाँ, अभी ग्रीन वाली भी चटनी डाल देते हम, जैसे स्वाद बन जाता। ग्रीन वाली चटनी है। ये ग्रीन वाली चटनी का स्वाद बन जाता है इससे जरा और भी। और टेस्ट चटनी ग्रीन वाली। ये धनिया की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी आइटम इसमें बहुत बड़ा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वो लाल मिर्च की है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये समझ लगता है कैसे तैयार हो रहा है। अच्छा, ये कौन आपका सा मसाला डाल गया? ये गर्म मसाला स्पेशल है। अच्छा, बहुत ये अपना मसाला है। बहुत बढ़िया, अभी सलाद और लग गई जैसे बढ़िया करके, अमेजिंग तरीके से हमारा जो है अभी आ गया जो है। अभी और छोले लगा दिए हल्के से भर के बढ़िया करके, मतलब ये जो है पूरा लोडेड कर दिया है, मतलब खा के मजा आ गया। इस पे एक और पीस आ गया, ये बहुत बढ़िया। अब इसमें जो है, अब इसमें क्या होगा, इसके 4 पीस होंगे। अच्छा, इसके 4 पीस करेंगे। अच्छा, ये 4 पीस हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 पीस होने के बाद जो है इसमें एक चीज हो रहा है, इसके साथ साथ हम दही और सौंठ देता है अलग। अच्छा, वो ये वो प्लेट लगा के दूंगा, दिखा दूंगा, जितनी प्लेट निकाल दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकी जो है चटनी सौंठ वाली जो है, मतलब मिक्स करके यहाँ पे देते हैं उसके साथ में कुलचे के, इसी से खाया जाएगा। ये हरी चटनी भी जो है साथ में आती है, और और सलाद भी दूंगा उसके साथ में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, मतलब स्पीड तो आपकी, मतलब अंकल जो है बहुत तेज होती है। हाँ, ये तो मेरा अभी हल्का हाथ चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, इससे भी ज्यादा तेज स्पीड रखते हैं आप। बहुत बढ़िया, ये देखिए, तो मतलब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंकल का हाथ रुकता नहीं है बिल्कुल भी, और जो है कितनी ही ज्यादा स्पीड में जो यहाँ पे हाथ चल रहा है। और जो हमारा कुलचे वाला सैंडविच है वो यहाँ पे लग के तैयार हो चुका है। अंकल कितनी प्राइस बताई थी आपने इसकी। इसकी प्राइस है 50 रुपीज। बहुत बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, और हमारे साथ जो आपको कितनी बेहतरीन जो है एक स्कीम और इसमें हमारे पे। अच्छा अच्छा, 4 सैंडविच खाने पे 2000 रुपए इनाम क्या है, मतलब 15-20 मिनट में।
20 मिनट में आ, अगर हार गया अच्छा तो 1200 रुपए हम देंगे, वो 1200 रुपए देगा वो। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकल ने जो है स्कीम भी चला रखी है, अगर चार सैंडविच आप 20 मिनट में खा लेते हो तो अंकल आपको 2000 रुपए इनाम देंगे, और अगर आप हार जाते हो तो आपको 1200 रुपए उल्टा अंकल को देने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।